हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, नीट का 2023 का हम लोग पेपर कर रहे थे, जूलॉजी और बॉटनी का 2023 का। मैंने कहा था सैटरडे संडे, बट कोशिश करेंगे डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर हम 10-10 डेली करेंगे फिर भी हम लोगों का 7 डेज में कितना होगा, 70 क्वेश्चन। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 4-10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे ये वाले। ओके, 11 से स्टार्ट करना था हम लोगों के। 11 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ओके, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपीज एंड एनएडीपीज S2 are required for the synthesis of one molecules of glucose during the Kelvin cycle. Kelvin cycle के लिए, okay? जिसे C3 cycle भी बोलते हैं, okay? मैंने क्या लिख दिया? C3 cycle. Okay, C3 cycle बोलते हैं। इसके हाउ मेनी एटीपी कितने और कितने NADPH2 का रिक्वायरमेंट होगी एक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ग्लूकोज के। अगर एक मॉलिक्यूल्स के लिए ग्लूकोज के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें केल्विन साइकिल की, तो केल्विन साइकिल में एंट्री के लिए कितने एटीपीज की जरूरत पड़ती है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपी की जरूरत पड़ती है फॉर द एंट्री ऑफ केल्विन साइकिल, CO2 मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए। अगर CO2 मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, तो CO2 मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए हाँ जरूरत पड़ती है 3 मॉलिक्यूल्स ATP की केल्विन साइकिल में और 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है NADP की। तो इस तरीके से कितने राउंड होंगे जो लगाने पड़ेंगे इसको, कि मैंने बोल ही दिया, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्म हो, तो इसको 3 राउंड लगाने पड़ेंगे, केल्विन साइकिल के 3 राउंड लगाने पड़ेंगे, तो ये जाके 6 साइकिल फॉर्म होगी, 6 राउंड साइकिल होगी। जब ये 6 राउंड लगा लेगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, 6 × कितने ATP, 3 ATP, और कितने NADP था, 2, ओके, 2 NADP मॉलिक्यूल्स, 2 NADPH2, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड फास्फेट, ओके, H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा 18 और ये फॉर्म होगा 12। तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्प्रेइंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुबेनाइल कोनिफर हेल्प्स टू हैस्टेनिंग द मैच्योरिटी पीरियड्स एंड लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। हैस्टिंग मतलब इंक्रीज करना, फोर्सफुली इंक्रीज करना, मतलब जानना मेच्योरिटी, अर्ली मेच्योरिटी जिसे कहते हैं, ये अर्ली मेच्योरिटी और सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा इसमें से स्प्रे किया जाता है इन कोनीफर्स में। ये सारे कोनीफर्स प्लांट हैं, जैसे रेस स्पाउस हो गया, स्टैक स्पाउस हो गया, हेमिंगटन हो गया, रेड वुड हो गया, ओके, सिकोया प्लांट्स हो गया, फर हो गया, ओके, पाइन हो गया, पाइन के जो प्लांट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं, देवदार हो गया, ये जो होते हैं ये कोनिफर प्लांट्स में के अंडर में आते हैं। अब इनके अर्ली जुबिनेशन के लिए, मतलब अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए, इसमें से कौन सा जो है हार्मोन यूज किया जाता है, फाइटो हार्मोन्स, जियाटिन यूज किया जाता है कि एब्सिसिक एसिड यूज किया जाता है कि इंडोल 3-ब्यूटायरिक एसिड यूज किया जाता है कि जिब्रेलिन यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, जिब्रेलिन यूज किया जाता है, जिब्रेलिन के छिड़काव किया जाता है अर्ली सीड डोरमेंसी के लिए। अगर हम जियाटिन की बात करें तो जियाटिन यूज होता है प्रमोट ग्रोथ, लैटरल जो ग्रोथ होती है उसके प्रमोशन के लिए। जैसे आप लोग केले के पत्तों में देखते हैं,
प्लांट्स में, मैं पत्तों बोलूं, प्लांट्स में क्या होता, साइड में एक बड्स होता, लेटरल बड्स फॉर्म होता, तो उसके प्रोडक्शन के लिए जेटिन का यूज किया जाता है अर्ली, मतलब बड्स फॉर्म के ग्रोथ के लिए और सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने के लिए। अगर एब्सिसिक एसिड की बात करें, एब्सिसिक एसिड यूज होता है सीड डोरमेंसी के लिए, और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो होता है यूज होता है प्रमोट ग्रोथ डेवलपमेंट और रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट और फ्लावर फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और अगर ये जो होता है यूज होता है क्रॉप की यील्ड्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन पहला तो अर्ली सीड डोरमेंसी के लिए यूज होता है और इन्वॉल्व होता है रेगुलेट्स, क्या होता है रेगुलेट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को, ओके। और दूसरा होता है ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, लीफ के एक्सपेंशन में, ये जो लीफ होती है इनके एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है कौन, जिब्रेलिन यूज होता है। और ये ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग में भी यूज होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स में यूज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमंग यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, किस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, G1 फेज में या G2 फेज में या M फेज में या S फेज में। आप देख सकते हैं ये G2 फेज है जिसे इंटरफेज बोला जाता है, ये G1 फेज है इसको भी इंटरफेज बोलते हैं, ये S फेज है ये भी इंटरफेज है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे यस फेज के बीच में होती है, मतलब रेप्लिकेशन कहाँ होगा, यस फेज में होगा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट, तभी यहाँ पे सेल ग्रोथ आएगी। अगर हम बात करें इसके सार जितने भी ये दिए गए हैं G1 फेज G2 फेज एंड यम फेज की बात करें, तो अगर यम सबसे पहले हम यम फेज की अगर बात करें तो इसे एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ यहीं पर होता है और इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इसे जो है इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, ओके। यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है इक्वेशनल डिवीजन, ये देखिए इसे एम फेज भी बोलते हैं, माइटोसिस फेज जिसे बोला जाता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन, भूलिएगा नहीं, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है इक्वेशनल फेज किसे कहते हैं, तो इक्वेशनल डिवीजन किसे कहते हैं, तो उसे माइटोसिस फेज को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अगर G2 फेज की बात करें तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, सेल ग्रोथ होता है, डीएनए का सिंथेसिस जो होता है यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, बट सेल सिंथेसाइज होता है और अन्य प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फॉर द नेक्स्ट फेज के लिए, ओके। और अगर क्वेसेंट फेज की बात करें तो ये एक इनएक्टिव फेज होता है, और G1 फेज की अगर बात करें तो ये इंटरवल होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन फेज होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये डीएनए यहाँ से जाके यस फेज में क्या होता है, ये इनिशिएशन फेज होती है, अगर बात करें ये इनिशिएट करता है, यस फेज रेप्लिकेट करता है, और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप होके सेल फॉर्मेशन, सेल मतलब सेल ग्रोथ होने लगती है, सेल फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये सारे हो गए। 14 नंबर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके तो पहला है डिट्रिबोरस परफॉर्म्स फ्रेगमेंटेशन, क्या डिट्रिबोरस जो होता है फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। सेकंड द ह्यूमन इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इन द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेट बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंचिंग। लिंचिंग के थ्रू क्या होते हैं ये वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, ध्यान दीजिएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इन द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेट, ओके। डी है हमारा द डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ई है हमारा अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इंटू स्मॉल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पूछा गया है, तो सी डी ई ओनली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या डी ई ए करेक्ट ऑप्शन होगा, कि ए बी सी करेक्ट ऑप्शन होगा, कि बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा ए बी सी, ओके। जो डिट्राइटस फूड चेन होती है वो उसे डिट्राइटस फूड
डिट्राइटस फूड चेन को डिट्राइटस बोले जाते, मतलब डिट्राइटस का मतलब क्या होता है, होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे मैटर जो कि डेड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, उन्हें बोला जाता है, जो डेड डेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है वो डिट्राइटस फूड फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, इसे कैटाबोलिज्म नहीं बोलते। जब ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होता है इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन होता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ना कि स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसे क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है तोड़ने को। अगर एक सेप्रो सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो फंजाई एंड बैक्टीरिया जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो तोड़ता है उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जो सिंपल में डिवाइड करके इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। ए बी क्या है, डिट्राइटस जो डिट्राइवोरस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशन। यस, ह्यूमंस जो होते हैं वो भी किसके थ्रू डिग्रेड होते हैं, मिनरलाइजेशन के थ्रू और माइक्रोब्स के थ्रू। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो टू द सॉइल एंड ग्रेट प्रेसिपिटेट द प्रोसेस इज कॉल्ड लिंचिंग, उसे कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटरोस्पोरस टेरोफाइट्स एमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ऐसे टेरोफाइट्स हैं जो कि हेटरोस्पोरस हैं, सीलोटम्स एंड सॉल्विनिया, इक्वेटम इक्विसिटम एंड सॉल्विनिया, लाइकोपोडियम एंड सीलेजिनेला, सीलेजिनेला एंड सॉल्विनिया। तो इसमें जो हेटरोस्पोरस हैं जिनमें एक से अधिक स्पोर्स जिसमें होम होते हैं, हेटरोस्पोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक से अधिक स्पोर फॉर्म होते हैं, टू टाइप के स्पोर्स इसमें फॉर्म होते हैं। ओके, मेगा एंड माइक्रो। और होमोस्पोरस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, बाकी सारे इसमें जो बचे हुए हैं सेलेजिनेला को छोड़कर, इसमें इसमें सॉल्विनिया को छोड़कर, इसमें भी सॉल्विनिया को छोड़कर, सीलोटम्स इक्विसिटम और लाइकोपोडियम क्या है, होमोस्पोरस होते हैं। अगर मैच द फर्स्ट वन टू सेकेंड, इसमें मैच करना है पहले का दूसरे से। ओके, ऑप्शन फर्स्ट को दूसरे से मैच करना है, तो पहला क्या है, वैसेक्टोमी किसे बोलते हैं। वैसेक्टोमी क्या होता है कि जो मेल बर्थ कंट्रोल इसमें किया जाता है, मेल के जो स्पर्म सप्लाई होती है उससे कट कर दिया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक तरीके का क्या फॉर्म होता है, सर्जिकल मेथड होता है। ओके, क्या होता है, एक तरीके का सर्जिकल मेथड होता है इसमें, क्योंकि ये सर्जरी के थ्रू कट किया जाता है इसलिए बोला जाता है। क्वाइटस इंटरप्शन, क्वाइटस इंटरप्शन का मतलब होता है कि इंटेंशनल विड्रॉल टू प्रिवेंट द स्पर्म डिपोजिशन, मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म्स को होता है आउटपुट कर दिया जाता है। ओके, टू वेजाइना, ये जो होता है एक तरीके का, किस तरीके का प्रोसेस होता है, ये होता है नेचुरल मेथड्स के थ्रू होता है। सर्विकल कैप क्या होता है, एक बैरियर मेथड्स होता है, एक बैरियर सर्विकल में एक कैप टाइप की इंसर्ट किया जाता है उसी को बैरियर मेथड होता है। एक सहेली जो होता है, एक पिल्स होती है ओरल मेथड्स के थ्रू टेकअप किया जाता है। ये जितने हैं बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होता है। ओके, बर्थ कंट्रोलिंग के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन, इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल शो करेंगे कि जो रिलेटिव्स ह्यूमन डिग्री को ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस को शो करता है। फर्स्ट, आप जैसा कि मैंने इसमें पिक्चर डाल दिया है, ये जो है जो सिंबल है जो वर्क को शो कर रहा है ये शो करता है मेल को। राउंड जो है वो मेल को, दिस टाइप सिंगल इट रिप्रेजेंट द मेटिंग, आप देख सकते हैं इसमें है मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या बोला जाता है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, किससे मेटिंग के लिए आपको देखना है, रिलेटिव से मीटिंग के लिए। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, अगर इसकी बात करें तो पेरेंट्स एंड चाइल्ड को दिखाता है, मेल एंड फीमेल देन चाइल्ड्स। ओके, इसकी बात करें तो ये इसे बोलते हैं जायगोटिक ट्विंस, जायगोटिक ट्विंस बोलते हैं।
एज अ डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसे जो बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। इस टाइप के सिंबल जब बनता है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, इसमें ये जो होगा ये फीमेल होगी, ये मेल होगा, इसमें दोनों ही मेल मेल होंगे, इसलिए इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। इसे बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसमें कोई सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो इस टाइप का ये दिया गया है, इसमें कोई सेक्स स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है, और मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स भी शो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा रिलेटिव से मीटिंग, ये भी नहीं शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा है। ओके, ये क्या शो कर रहा है, पेरेंट्स प्लस ये क्या होता है, अफेक्टेड इन चाइल्ड, चाइल्ड किसी डिजीज से अफेक्टेड होता है। तो रिलेटिव से मीटिंग कौन शो कर रहा है, डी, जिसे कंसंगेनिसी वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसंगेनिसी, इस टाइप की मीटिंग को, रिलेटिव से जो मीटिंग को शो करता है उस टाइप की मीटिंग को कंसंगेनिसी भी बोलते हैं, कंसंगेनियस मीटिंग भी बोलते हैं, या कंसंगेनियस। क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा नहीं, इंडो मेम्ब्रेन क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेन, इंडो का मतलब इन, मेन विद इन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत, विद इन परत जिसे कहते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप, ऐसे ग्रुप के मेंबर जिनमें जो मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स जो होती है यूकैरियोटिक सेल के, ऐसे मेंबर जो कि वर्क टुगेदर एंड मॉडिफाइड, ये एक दूसरे साथ में काम करते हैं और मॉडिफाइड करते हैं पैकेजिंग, मॉडिफाई करते हैं पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में लिपिड और प्रोटीन के, तो इसमें से कौन सा है जो कि लिपिड और प्रोटीन के में हेल्प करता है। ओके, तो सबसे पहला देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं करता, लिपिड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ये आता है, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आता क्योंकि अब इसका अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, पराक्सिसोम नहीं आता। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी ई डी, इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमनॉइड। फोविया जिसे बोला जाता है, फोविया किसमें देखने को मिलता है, और कोई फोबिया की बात कर रहा है, फोबिया किसमें देखने को मिलता है, फोबिया क्या होता है, फोबिया जो होता है एक पॉइंट होता है जिसे विजुअल एक्यूरेटी बोलते हैं, रिजोल्यूशन में हेल्प करता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक स्मॉल पॉइंट होता है आई के साइड में, फोबिया। ओके, ये एक स्मॉल सा पॉइंट होता है आई के साइड में देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ ग्रेट विजुअल एक्यूटी एंड रिजोल्यूशन। ओके, पॉइंट होता है। आइरिस की बात करें तो आइरिस ये देख सकते हैं ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ओके, ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, तो ये किसमें होता है, विजुअल कलरेशन में, किसमें हेल्प करता है, कलरेशन में। ओके, विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, ये कलर्ड पोर्शन होता है आई का, दैट रेगुलेट डायामीटर ऑफ प्यूपिल्स, जो कि किसमें रेगुलेट करता है, प्यूपिल्स के डायामीटर में। ओके, अगर ब्लाइंड स्पॉट की बात करें कि ब्लाइंड स्पॉट किस तरीके का होता है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट इसमें कहाँ पे है, ये रहा आपका ब्लाइंड स्पॉट, ये आई के कॉर्नर साइड में जो कि मसल से कनेक्टेड है। ओके, तो ये क्या है, पॉइंट्स वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स एंड आई बॉल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर अब्सेंट, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स अब्सेंट होती है, लेकिन ये किससे कनेक्ट कनेक्ट होता है, नर्व्स, इसे क्या बोला जाता है, ओके, ब्लाइंड स्पॉट, स्क्लेरा, स्क्लेरा अब एक ही बचा, ये एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अगर पिक्चर्स में देखें तो ये आपकी एक्सटर्नल लेयर है, ओके, आई की, आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो कि किससे कनेक्ट होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट से, जिसे ऑप्टिक डिस्क भी बोला जाता है, यहीं पर क्या पाया जाता है, ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। इसके बाद फोविया देख सकते हैं, ये रेटिना आप देख सकते हैं, येलो कलर की पूरी है रेटिना साइड में, और ये जो है
फिर जो होता है कोरोइड्स होती हैं, ये स्क्लेरा जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये सीलियरी मसल्स होती हैं जिसे आई को कनेक्ट करती हैं, ओके मसल्स रेगुलेट करती हैं जो कि नर्व्स के थ्रू रेगुलेट होती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये है लेंसेस, ये रहा आपका कॉर्निया, दिस लेयर इज द कॉर्निया एंड प्यूपिल्स, ये रहा। और ये जो होती है प्यूपिल्स किसके थ्रू रेगुलेट्स होता है, आयरिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 20 क्या बोल रहा है, ये ईसीजी के बारे में, ओके और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। पहला है पी वेव सेल किस में हेल्प करती है, और क्यू वेव सेल किस में हेल्प करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और टी वेव्स क्या। ओके जैसा कि पिक्चर से ही कंफर्म हो रहा होगा आप लोगों को, पी वेव किस में, एट्रियल डिपोलराइजेशन में हेल्प मदद करता शो करता है, और क्यू आर कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में। अब सबसे पहले आप जान लेते हैं डिपोलराइजेशन का क्या होता है और रिपोलराइजेशन क्या होता है। डिपोलराइजेशन होता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स मूव टू अ वेव थ्रू द हर्ट, मतलब एक बेब जो होती है कहाँ से मूव होती है, हर्ट से किसको कॉन्स्ट्रक्ट करती है, मायोकार्डियल मसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करने का काम करती है, ओके उसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। अगर रीपोलराइजेशन की बात करते हैं और तो उसी मतलब जो आयंस है, जो आयन रेगुले कॉन्स्ट्रक्ट जिसके कारण कॉन्स्ट्रक्ट हुआ था जिस इलेक्ट्रिक के थ्रू, उसे वो क्या होता है आयन रिटर्न करता है, मतलब रिटर्न ऑफ आयन टू दियर रेस्टिंग स्टेज, मतलब आयंस का रेस्टिंग स्टेज में रिटर्न करना, या इसे कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मायोकार्डियल, मायोकार्डियल मसल्स का रिलैक्सेशन भी होना, इसे क्या कहते हैं रिलैक्स होना, मायोकार्डियल मसल्स का रिलैक्स होना रिपोलराइजेशन, मायोकार्डियल मसल्स कॉन्स्ट्रक्ट होना क्या कहलाता है डिपोलराइजेशन। तो अगर हम पी वेव की बात करें तो पी वेव क्या करता है, पी वेव करता है डीपोलराइजेशन, ओके डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइज करता है एट्रियल मसल्स को। और क्यू वेव क्या करता है, बिगिंस ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल्स को बिगिन करता है, सिस्टोलिक मसल, ओके। क्यू आर कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल साइड को, डीपोलराइज करता है, यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज दे। देख लेते हैं पी वेव क्या होता है, ये शो करता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन। देन क्यू आर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो शो करता है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, ओके। और अगर क्यू इस अकेले की बात करें वो शो करता है सिस्टोलिक बिगनिंग की। और टी वेव की अगर बात करें तो टी वेव शो करता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन। यू वेव क्या होता है अननोन है अभी तक, ओके। तो उसमें जो थर्ड ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इस पिक्चर्स की बात करें तो एट्रिया जो होता है डीपोलराइज शो कर रहा है, तो अगर एट्रिया की देख सकते हैं कहां पर होता है, एट्रियल नोड, ओके ये रहा आपका एवी नोड, मतलब एट्रियल नोड ये डीपोलराइजेशन शो करता है, ओके। और इसके बाद ए बी कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर, जब यहाँ से आयन जो होता है सर्कुलेट होता हुआ इसको क्या होता है कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन जब यहाँ से आयन वेंट्रिकल्स की तरफ होता है तो ये पोर्शन आपका रिलैक्स हो जाता है, ये यहाँ पे रिलैक्सेशन शो करता है, मतलब रिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। तो ये आपका पिक्चर्स के थ्रू मैंने बता दिया है, ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये राइट बंडल्स होते हैं, ये बंडल्स ऑफ हिड्स होते हैं, एवी नोड इंटरमेडुलरी पाथवे शो करता है, यस्से नोड होता है यहाँ पे पाया जाता है, ओके। ये बैंचमैन बंडल देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कल हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन को के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं अपने 10 क्वेश्चन के साथ।